मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, ये जब से आए ना, जब से हमारे कश्मीर में ही मतलब वो हमारे शहीद भी हुए और कश्मीर में इसका वो पप्पा है, मैं हम लोग को तो ये बात समझ में आती कश्मीर में इसका बाप क्यों मिला इसको, ये बोलते नहीं हम लोग कुछ, लेकिन ये जल्द ही डिपोर्ट होगी क्योंकि चाहे कोई एटी चोटी जोर लगा लेना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई इसके आने से तो बहन बहुत सारे आतंकवादी घुस गए, अभी कश्मीर में भी 3 आतंकवादी पकड़े गए मुठभेड़ में, बता और कश्मीर में इसका वो कौन सा पप्पा इसने पैदा किया, किसकी माँ ने पप्पा किया, पप्पा भी तो मेरी समझ में नहीं आया कश्मीर में मिला, आजू बाजू कोई पड़ोस में गाँव में इसका बाप नहीं, कश्मीर में पप्पा, और वो कैसे उसका पप्पा बना वो भी नहीं, मुझे तो क्या लगा ये अंजलि अंजलि जो इसकी लप्पू की भाभी है उसका माता पिता रहेंगे तो चलो भाई बाप लगता है, लेकिन बाद में अंजलि वो बोल रही थी कि नहीं मेरे पप्पा तो यही गांव में दो अपने मायके से आई थी, बोली फिर इसका ये बाप कहाँ से पैदा हो गया और ये कश्मीर में कैसा पैदा हुआ, तो मैं तो बोलते मेरी सरकार को इसकी भी जांच करी जाए, इसका पप्पा ये कहाँ से, वैष्णो देवी है ना वहां से इसका पप्पा रहने वाला है और वहीं से 3 आतंकवादी पकड़े गए, और लेकिन वो इसका बाप नहीं, इसका कोई सपोर्टर दार है, इसका मददगार है, मददगार है इसका कोई, हाँ मैं तो बोलती मेरी इसका कोई एजेंट होगा कोई, वही इसका पप्पा इसको लाने में इसकी मदद की होगी, मैं तो यही बोलती हूँ, हाँ तो मेरी बात सुनो, वो जो उसके सपोर्ट करते ना, मैं भी बोलती हूँ तुम लोग करो सपोर्ट, एक दिन अखबार में इन लोग का भी फोटो छपने वाला है, इस चीज का छपेगा कि तुम लोग एक गलत औरत का साथ क्यों दे रहे, तभी वो लोग ना वहां पे जाके कानून के आगे उनको उनको ना अपने सवालों का जवाब रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तय हो गई है, आज मेरी एक हमारे यहीं के कोई बड़े सर थे मेरी, मैंने उनसे बात की थी ऐसी, तो उन्होंने बता दिया था जो उसको सपोर्ट करते हैं कल वो भी कानून के दायरे में आके खड़े होने वाले हैं, जो सपोर्टर है, सरकार की नजर सब पे है, एक आतंकवाद एक पता नहीं कौन जासूस था कि क्या था पकड़ा गया, तो सरकार ऐसे ढील नहीं छोड़ के रखी है, हम तो सपोर्ट नहीं करते 2 कोड़ी की औरत को कोठे वाली को, सरकार तो सुन रही है, भर भर के ट्रक इसको गाली भेजते, भर भर के इसको रेलगाड़ी भर के भेजती, मैं तो ट्रक भी नहीं रेलगाड़ी भी मेरे को कम गिरती है, तो भाई सरकार देख रही है ना, हम लोग अपने देश के पक्ष में, देश के कदर नहीं, हम लोग देश के पक्ष में खड़े करके गलत औरत को भगा रहे हो, ठीक है इस गलत औरत को रखो ना, रुको एक मिनट बहन, इस गलत औरत को ना, तो हैदर के बच्चे तो मांग रहे ना हम लोग, और क्या मांग रहे, दे दो ना हैदर के बच्चे, तुम्हारा नया घर तुम्हारा नई भाभी, तो नए बच्चे पैदा करो अपनी भाभी, जब आप लोग करो ना उसको, तुम हमें क्यों कमेंट करके भेजते हो, हमें क्यों फालतू हर किसी की लाइफ पे जाके भगोड़ी इधरी रह गया, अरे रखो कौन उसको बोलते हैं भगोड़ी जानी चाहिए, तो हमें ना कोई कमेंट करेगा, जो जैसे कमेंट करेगा फिर वो वैसे ही बकवास सुनेगा, क्यों नहीं आवाज उठाए हम, मतलब उस भगोड़ी की सपोर्ट करो तो हम भी भगोड़ी जैसी गंदी औरत बन जाए क्या, उसकी सपोर्ट में आके क्यों सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें, अरे जो अपने देश की नहीं, अपने नमक की नहीं, जिस देश का इसने नमक खाया उसकी नहीं, तो तुम दो दो दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होने वाली है तुम लोग की जिंदगी में, उस भगोड़ी की जिंदगी में तो बहुत जल्द होने वाली है, सुनो ना बहन, कहीं भी देखते तो भगोड़ी की उसमें घुस जाते सपोर्टर, और ऐसे ऐसे इतने गंदे गंदे कमेंट करते ना कि वो भी देखे नहीं जाते, मतलब मेरे लोग अपनी भारत की बेटियों को गंदे कमेंट करे, तो फिर इनके गले में तो हारों की माला तो नहीं गिरेगी, जूतों की गालियों की फूल माला बना के डालनी पड़ेगी इनके गले में, क्यों करते हैं, अरे तुम हम जब तुमको कर लो तुम सपोर्ट क्यों बहन, गलत है कि सही है, 2 घंटे के रास्ते पे बच्चों को लेके हम जा नहीं सकते, उसमें भी हम परेशान हो जाते, और ये कोठे वाली ये धंधे वाली ये लप्पू की अम्मी ये 70 यार की औरत पाकिस्तान से बच्चों को लेके आई और कैसे लेके आई, ये सोचने वाली बात है बहुत बड़ी, हाँ उसकी सपोर्ट से, और एक चीज और बोलती हूँ, देखो बहन मैं मेरी शायद आपकी भी यही चीज हो, जो एक चीज मैं अपनी बताती हूँ, अगर देखो फिर अगर एक बात है, चलो भगोड़ी की तरफ अपन सोचते, अगर हम ऐसा काम करती हम करती, लेकिन हम ऐसे किसी देश में जाके ना जल्दी से भी अपने देश के खिलाफ गलत नारे नहीं लगाती, उस पे भी हम 10 बार सोचते नहीं बाबा ये गलत होगा मैं अपने देश के खिलाफ नारे नहीं लगाऊंगी, हाँ तो सुनो इसने एक मिनट भी नहीं सोचा अपने देश के खिलाफ गलत नारे लगाने के लिए, जब से हमें ये औरत अच्छी नहीं लगती है कोठे वाली धंधे वाली, तब से हम समझ गए थे ये हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है, पूरी खतरे की घंटी है, और इसी घंटी को हमारे देश के ही लोग बजा रहे हैं, जो इसके चंद है ना 10-15 लोग जो इसको सपोर्टर करते हैं, बाकी तो सब मेरे देश के मेरे बहन भाई सब हैदर भाई का साथ दे रहे, हैदर भाई का साथ नहीं दे रहे, वो एक इंसानियत का साथ दे रहे, एक बाप का साथ दे रहे, और वो जय चंद है ना इस घंटी को बजा रहे, बजो घंटी बजो,
ये लोग बहुत बुरी घंटे या खतरे की घंटे हमारे देश के लिए, और हम लोग तो वाकई में इस औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कब ये यहाँ से डिपोर्ट होए, उस दिन हमारे भारत में जश्न मनाएंगे। इस भगोरी को कोई डर नहीं है, ये पोठे वाली को कोई डर नहीं है, ये बेकार औरत है, गंदी औरत है, और ये सब तो आप बोलो नहीं कि इसको कोई डर के करा रहे। अरे जिस औरत को ना आदमियों में रहने की आदत होती है ना, तो वो औरत फालतू ही बोली जाती है। ठीक है, एक चीज बोलती हूँ मैं, पाकिस्तान से तो कोई भारत का गया नहीं था ना पाकिस्तान के अंदर लेने के लिए, वहां से तो ये खुद ही आई है ना भाग के, इसको क्या जरूरत थी भाग के आने की। हमें डर चढ़ जाता है, अरे अकेले कैसे जाए, मतलब कभी कोई पुलिस ना पकड़ ले, कभी कोई सैनिक ना पकड़ ले, हमें कोई चेकिंग ना हो जाए, मतलब सांस ऊपर नीचे फूल जाती है, कोई बुलवा नहीं रहा है। एक बात बताती मेरी बहन, चाहे कोई गर्दन पे तलवार रख दे, मैं बताती हूँ जो अपने देश से प्यार करेगी ना गर्दन कटवा लेगी, लेकिन अपने देश के खिलाफ ना गलत नारे नहीं लगवाएगी। ये ना वेश्या औरत है और ये हवस की भूखी है। और दूसरी चीज सुनो सुनो, अभी आप मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो आप, मैं बताती हूँ दूसरी चीज। ये लप्पू के चक्कर में नहीं आई है, इसको ना भारत में मतलब लप्पू, अरे जो औरत अपने पति से धोखा कर सकते तो ये माने ले रखेले रखेल दल्ले दलाल से क्या वो वफादारी करेगी। ये ना बॉलीवुड के लिए आई है कि मैं हीरोइन बनूंगी। हमारे इधर तो भारत, हमारे महाराष्ट्र में इसको कोई बॉलीवुड का हीरो बर्तन घसने वाली भी नहीं, नौकरानी भी नहीं रखेगा, हीरोइन तो इसकी बहुत दूर की बात है। मैं तो खुद महाराष्ट्र में रहती हूँ जहाँ पे हमारे बॉलीवुड रहते हैं, तो हमें तो सारी चीजें पता है, इसको तो कोई जूता साफ करने वाली भी नहीं रखेगी। हैदर भाई इसको रखना भी नहीं चाहता, उसने तो कह दिया झूठी थाली कोई भी खाना डाल के खाओ। हैदर भाई बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है और हमारी भी आवाज बच्चों के लिए, कोई इसको आईडी कार्ड बनाए, कोई इसको फ्रेम में जोड़े, कोई इसका लेमिनेशन करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। रखो अपनी भाभी को, तुम्हारी भगोड़ी भाभी को रखो, चाहने वाले इसके चहेतों तो लोग सपोर्टर लोग रखो इसको। इसके जो रघुपुरा से थोड़ी दूर है, मतलब थोड़ी किलोमीटर दूर है, मुझे इतना नहीं पता, वहां से एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत शक के दायरे में है, पहले इसको क्लीन चिट दे कि क्या नहीं दियो। लेकिन मैं बताती हूँ, हमारी जो आस्था माँ है, आप जानते होंगे उसको, आप हर दिन सुनते हो, उनके पास भी अच्छे से अच्छे सबूत मिले हुए हैं। तो ये इतनी जैसे हम सोच रहे ना, आप भी और हम भी, ये बहुत सही तरीका है, सही तरीके से नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें रही। सेप्पी सिंह की, टोपी सिंह की, ये हमारे देश का वकील है, हमें पता है ये कितना गिरता है तो जमीन से उठता नहीं है। ये इसके लिए कुछ नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, खाली इसको बद्दुआ कमानी रहती है और टीआरपी कमानी रहती है, बस ये इसके लिए हारे हुए केस लेता है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि इसने ना, पहली बात अगर देखो, हम भी हमारे भारत का कानून जानते हैं, कानून कोर्ट में कोर्ट हो चाहे कोई भी चीज हो, सबूतों के बल पे सारी चीजें चलती है। ना तो इसके पास हैदर भाई के डिवोर्स का कोई पेपर है, ना कोई भी चीज है। अगर इसको बेल भी मिले तो हैदर भाई के नाम से इसको बेल मिली है, ठीक है। और एक चीज, हम महिला है, हम भारत की महिला क्यों आवाज उठा रहे? हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक इंसानियत और एक बाप के लिए आवाज उठा रहे। हमें भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं आवाज उठाना बंद करते, हम आवाज उठाएंगे। और दूसरी चीज एक बोलती, जो ये सीमा के सपोर्टर है ना 10-20 रुपए के खरीदे हुए, ये भी जांच के दायरे में आने वाले हैं। वो इसके लिए आने वाले हैं कि जो गलत तरीके से औरत आई है, आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे, आप उनको क्यों बोलते कि वो यहीं पे रहेगी? तो कुछ दिन की बात है भाई, मेरे विश्वास रखो, इसको जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। मेरी आज एक बड़े ऑफिसर से बात हुई थी तो उन्होंने बोल दिया है कि जल्द ही डिपोर्ट होगी। और इसको ऐसा नहीं कि चलो भगोड़ी बैकपैक करो बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी हर एक चीज पे नजर है मेरे भाइयों। मैं बता देती हूँ आपको, सरकार की आंखों पे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी है सरकार इसके 8 महीने से, इसके जो मुजरे हैं, जो इसको कोठे वाली है, ये जो अपने देश के खिलाफ गलत बोलती है, तो भाई सारी चीजें हैं। मैं बस 100 बात की एक ही बात बोल देती हूँ, हम ज्यादा यहाँ पे बोलेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा ना, हैदर भाई के पक्ष में ही फैसला होगा। ये एपी सिंह क्या, ये लप्पू क्या, ये भगोड़ी क्या, ऊपर वाला भी हैदर भाई को बच्चों से दूर नहीं कर सकता। ये तो चंद लोग हैं, इनकी तो कुछ औकात है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज, भले इनको क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन ये आपको किसी ने बोला? आप किसी के बोलने पे भी इतना विश्वास मत रखना। कुछ लोग थे जो हैदर भाई के लिए आंसू टपकते थे, आज उनकी आंखों में ना पत्थर बन गए। तो इसके लिए आप जल्दी से किसी
की बातों पे भरोसा ना रखें, कानून जो अच्छा करेगी वो आपकी सरकार को पता चलेगा और आपको पता चल गया, क्योंकि ये दो देशों का मामला है, ये पबजी लबजी झबजी का मामला नहीं है। ये भगोड़ी को चार बच्चे की माँ को किसको प्यार हो जाता है, चार बच्चे जिस औरत को रह जाते हैं ना उसको अपने बाल बनाने की फुर्सत नहीं रहती है, और ये भगोड़ी कोठे वाली को तो यारों से बतला बात करने की फुर्सत नहीं रहती है। एक दिन इसने ड्रिंक करके मैंने तो एक घंटे में ही पाठ याद कर लिया, इसने ये वीडियो बनाई थी उसपे भी हम लोग ने इसको बहुत ट्रोल किया था। इसलिए आप हमारी सरकार पे भरोसा रखिए और आप अपनी पाकिस्तान की सरकार पे भरोसा रखिए, दोनों सरकार दोनों देश अच्छा फैसला होंगे। ये जो भोक रहे ना कि हम इसे रखेंगे, मैं तो बोलती रख लो, फ्रेम बना लो, लेमिनेशन करा लो, पुतला बना लो इस भगोड़ी का। हमें हैदर भाई को झूठी थाली तो चाहिए नहीं, और भाई सच बोलने के लिए हम डरते नहीं, क्यों? सरकार हमारी सुनती है, हम गलत औरत के लिए आवाज उठा रहे, हमें ये गलत औरत नहीं चाहिए। ये चोर एक नंबर की, हमारे भारत में चोर कहीं की, हमारे घर में चोर बड़ी है। और एक हैदर भाई को इतना इसने बर्बाद किया है ना, और ये क्या बोलती है, मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं लाई थी सिवाय कान के और चार बच्चों से, तो क्या अलादीन के चिराग में बैठ के आई थी क्या पाकिस्तान से तू? अलादीन का चिराग था जो तुझे पाकिस्तान से उठाया और भारत छोड़ दिया नेपाल बॉर्डर पे, तो ये इस बात में फंसी ना। बिना पैसे के कोई इंसान तीन बॉर्डर तीन देश पार करके नहीं आ सकता। तो भाइयों मेरे, एक तो मैं ये भी चीज बोलती सरकार की, पाकिस्तान की सरकार को बोलती हूँ, इसकी बहन को रीमा को जो 6-7 महीने से उसके मुंह में दही जम गई थी क्या, जो अब भी वो आके वीडियो बना रही है, इसकी बहन को, इसके भाई को, इसकी बहनों को, तीनों को ना पुलिस रिमांड में लेना चाहिए भाई, तभी वो सब सच्चाई बताएंगे।